फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपनी सेंट जॉन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारा इवनिंग सेशन, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इवनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की बातें। क्लास टेंथ का चैप्टर अभी जो चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें भी हम लोग उन धातु के बारे में जान रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कल डिस्कस किया था आयरन के बारे में, अर्थात कि आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और आज की क्लास में प्लान रहेगा कि हमारा जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम तीनों को कवर करें। अगर 3 कवर ना हो सके तो कम से कम 2 का कवर हो सके, इसलिए क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती है और लंबे समय तक आप लोग टिक नहीं पाते हैं। इसलिए सेशन में हम चाहेंगे कि छोटे सेशन में जितना ज़्यादा कवर हो सके सभी पॉइंट को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग इस सेशन को लास्ट तक बने रहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं बीच में अप डाउन करते हैं, थोड़ा सा बंद करके चले गए फिर बाहर चले गए, जिनकी वजह से आपका क्लियर नहीं हो पाता है कि सभी स्टूडेंट ने पूरा सेशन देखा कि नहीं देखा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सेशन स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले ही लॉगिन कर लें, और आपका जब सेशन कंप्लीट हो उसके बाद ही आप जाएं। इससे क्या होगा कि सेशन के अंदर क्या कमी है, कैसे क्या करना है, उनकी जानकारी हमें मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको देंगे कंप्लीट आपका एग्जाम की प्रिपरेशन। क्योंकि अभी इंटरमीडिएट के सेंटअप का डेट 14 से आ गया है, आप लोग का भी डेट अब दूर नहीं है, अर्थात कि मैट्रिक एग्जाम का भी डेट आने वाला है। इसलिए सभी कुछ के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, एवं साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। अगर कोई फ्रेंड्स या फिर आपके भैया या फिर आसपास के कोई भी अगर फ्रेंड्स हो जो कि अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन करता हो तो उन्हें जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि मॉर्निंग सेशन हम चलाते हैं प्री टू मेंस लेवल तक का, हर पॉइंट को डील करते हैं। इसलिए सुबह 9 बजे यह सेशन चलता है, इसी चैनल के थ्रू से सुबह 9 बजे का सेशन देखना न भूलें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट आप अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, जितना ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि इस पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके 5 मार्क्स के। ये हमने बता रहे जो अभी सेशन चल रहा है हमारा स्पेशल धातुओं का निष्कर्षण, इनसे पॉइंट जो होते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी आपके चार बताने वाले हैं, इन 4 में से ही 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए आप इन 4 पॉइंट को ज़्यादा बेहतर वे से देखें अगर आपको चाहिए कि एग्जाम में 5 मार्क्स को सिक्योर करना। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल इजी वे से आप प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई के प्रति। आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे ये 5 नंबर आपका हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि फटाफट आप लोग थम्सअप कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं, क्योंकि आप लोग रेडी बोलेंगे तो मैं गो बोल धीरे धीरे बजाइए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका जो आपका कॉपर के निष्कर्षण के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करें, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आयरन के बारे में आपको बता चुका था, इसलिए आज की क्लास में स्पेशली हम लोग जानने वाले हैं कॉपर के निष्कर्षण के बारे में। तो कॉपर के निष्कर्षण के लिए कन्फर्म है कि हमें अयस्क चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी धातु के निष्कर्षण के लिए उसका अयस्क होना जरूरी है, और यहाँ पर जो कॉपर का मुख्य अयस्क है वह आपका कॉपर पाइराइड है, पाइराइटाइज, ठीक है, कॉपर पाइराइटाइज बोला जाता है, ये हमारा क्या है मुख्य अयस्क है। इसका फॉर्मूला आप जरा ध्यान से देखिए, CuFeS2। अब ध्यान से एक चीज पर मेरे हिसाब से गौर कीजिए आप, S2 पर पूरा छोड़ दीजिए आप, एक ही चीज आप गौर कीजिए S2, अर्थात कि S2 देखते ही आपके दिमाग में सल्फाइड का दिमाग में घूम रहा है कि नहीं बात, सल्फाइड अयस्क,
और हमने आपको बताया था कि आयस्क में जब भी सल्फाइड वर्ड आ जाए, अर्थात कि वह आपको देखते ही सल्फाइड आयस्क लगे, तो उसको आपको बनाने का, सॉल्व करने का, निष्कर्षण करने का सिर्फ एक विधि आपको दिमाग में रखना है, और वो विधि आपका भर्जन। मैंने बताया था आपको भर्जन विधि आपको सल्फाइड आयस्क के लिए, साथ ही साथ बताया था कार्बोनेट के लिए भी एक विधि बताया था कि कार्बोनेट आयस्क के लिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि कार्बोनेट के लिए हमने क्या बताया था आपको, जल्दी कीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आप लाइव चैट में बताइए कि कार्बोनेट के लिए हमने आपको क्या बताया था, कीजिए। तब तक हम लोग आगे देखते हैं। तो कॉपर पैराडाइज की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये भर्जन विधि से यहाँ पे सल्फर देखते ही माइंड में चल गया भर्जन। और भर्जन मेथड क्या होता है भाई? भर्जन मेथड होता है कि आप टेम्परेचर को गर्म करेंगे, अर्थात कि ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करने पे कहाँ पे गर्म करेंगे? तो जहाँ पे O2 की प्रचुरता होगी, ऑक्सीजन की जहाँ पे उपस्थिति होगी, वहाँ पे आपको भर्जन करना है, ठीक है? अर्थात कि यह जब अधिक तापमान पर वायु की उपस्थिति में जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, तो वह विधि हमारी क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और CO3 का जो हमने पूछा था वो था आपका निस्तापन। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और जिसने जवाब नहीं दिया उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। कम से कम उनको ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई अगली बार से करेंगे, इसके लिए उनको थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थे आपके कार्बोनेट, अर्थात कार्बोनेट के लिए निस्तापन, और आपके जो ये सल्फाइड आयस्क थे उनके लिए भर्जन, ठीक है। अब बात आती है कि इनके निष्कर्षण कैसे होता है, कैसे इनके निष्कर्षण किए जाते हैं, इनके मेथड को अब जानना है हमें। तो मेन मेथड एक बार दिमाग में चल गया कि भर्जन हो गया। अब बताओ क्या मेरे तरीके से आप सोचोगे, एग्जाम में अगर कॉपर के बारे में कुछ भी नहीं याद हो, फिर भी आप कॉपर के बारे में 4 लाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते आप? फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी भर्जन अगर पता हो सिर्फ, तो कॉपर के बारे में 3-4 लाइन लिख सकते कि नहीं लिख सकते आप? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिखेंगे भाई, भर्जन पता है तो कॉपर को हम लिखेंगे भर्जन विधि से ऐसे गर्म करेंगे तो ऐसे ये प्राप्त होगा, हम लिख सकते कुछ ना कुछ उसके बारे में। अर्थात कि अगर आपने पिछला सेशन हमारा देखा है, हमारे सेशन को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, तो कन्फर्म है कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और ना ही आपको किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर हमारा सेशन कंटिन्यू देखते हैं, अगर नोट्स बनाते हैं हमारे सेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका सेशन के साथ साथ आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो इसमें कहता है आपको कि इसमें क्या करना है, पहले क्या काम करना है। तो पहला काम कह रहा है कि कॉपर पैराडाइज जो आपका है, इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्रेशर में डालेंगे या स्टैम्प मिल में डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? क्रेशर में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, चाहे स्टैम्प मिल हो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में से तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो यह प्राप्त होगा इसको झाग पलवन विधि का यूज करके इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। अब झाग पलवन विधि क्या है, आप घरों पे देखते होंगे, घरों पे आप देखते होंगे कि जब भी अगर कपड़े साफ करना होता है तो उसमें हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं, अर्थात कि सर्फ डालते हैं, और उसे खूब बढ़िया से मिलाते हैं, झाग ऊपर रह जाता है और जो आपके मोटे मटेरियल हो नीचे हो जाते हैं। सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा झाग पलवन विधि में। यहाँ पर क्या होगा, एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर लिक्विड होंगे, लिक्विड के अंदर आपका गैस का प्रवाह किया जाएगा जिनके वजह से झाग उत्पन्न होगा, और उसके अंदर इस क्रैशर को डाला जाएगा, यानी क्रैश किया हुआ आपका छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे कॉपर के उसको डाला जाएगा। अब डालने के बाद जब खूब बढ़िया से जब वो मिलेगा, तो जितना उनके अंदर छोटे छोटे हल्के अशुद्धि होगी वह झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, अशुद्धि सब ऊपर आ जाएगा, और उनके साथ जो आपका मेन मटेरियल है, जो भारी मटेरियल हो, नीचे की तरफ आपका बैठ जाएगा, और उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि झाग पलवन विधि का उपयोग करके हम क्या करेंगे, झाग पलवन विधि का उपयोग करके हम यहाँ पर आयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त पहले करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे सांद्रित आयस्क जो प्राप्त होगा, अर्थात कि सांद्रित आयस्क जो प्राप्त होगा वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ेगा हमें,
क्या करना पड़ेगा, हमें धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कब होगा, जब हम उसे वायु की उपस्थिति के साथ गर्म करेंगे, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा तब तक आपके ऑक्साइड बनने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे CuFeS2, ये क्या हो गया हमारे आयस, अब इनको O2 के साथ यह गर्म होगा तब ना हमारे कॉपर के ऑक्साइड CuO प्राप्त होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। तब कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CuFeS2 को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा ना, और इस गर्म करने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भर्जन के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं सब किसी को, अर्थात कि जो सांद्रित अयस्क है, जो हमने साफ करके जो अयस्क प्राप्त किया है, उसे क्या करना है, वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, और इस गर्म के करने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भर्जन के विधि से, अर्थात कि अयस्क के सांद्रित अयस्क को भर्जन विधि से हम धातु के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सबको, सबको क्लियर है कि नहीं, क्लियर है फटाफट बताइए। पहले हम बड़े अयस्क लेंगे, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे, इनको शुद्ध करने के लिए फिर क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर झाग विधि से बनाएंगे। अब झाग विधि में क्या होगा, जो छोटे छोटे अच्छे पार्टिकल होंगे नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और अशुद्धि ऊपर की तरफ, अशुद्धि को हटा देंगे और हमारा पार्टिकल से बच जाएगा। अब इन पार्टिकल को क्या करना है, एक बड़े से कंटेनर में रखना है और इसको नीचे से गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, अब इसे अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर गर्म करें नीचे से तो गर्म करने के बाद ये ऊपर पूरा ऑक्सीजन खुला हुआ है पूरा वायुमंडल में, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे गर्म करेगा तो ऑक्सीजन के साथ इसके अंदर जो कॉपर है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और कॉपर के साथ जब रिएक्शन की क्रिया होगी तो क्या बनाएगा, वो रिएक्शन करके कॉपर की ऑक्साइड ही तो बनाएगा। बताओ फ्रेंड्स, बनाएगा कि नहीं, कॉपर के जो आयस्क है कॉपर पाइराइट है, इस अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करे तो बताओ क्या बनाने वाला है, फटाफट बताओ क्या बनाएगा, कॉपर पाइराइटाइज ही तो बनाएगा, कॉपर पाइराइटाइज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर के ऑक्साइड ही तो प्राप्त होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, हमने अभी तक तीन काम किया, पहले क्रशिंग किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, दूसरे उसे झाग पलवन विधि से उसे सांद्रित किया, तीसरा उसे भर्जन विधि से कॉपर के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया। तीनों पॉइंट क्लियर है सब किसी को, फटाफट थम्स अप कीजिए, बोलिए क्लियर है सब किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें, वेरी गुड, अगर नहीं डाउट है तो देखिए आगे, आगे देखिए इसी चीज को फॉर्मूला बेस पर, इसी चीज को आपको क्या देखना है फॉर्मूला बेस पर। पहला नंबर चीज क्या हुआ, CuFeS2, ये आपका कॉपर पाइराइटाइज है या अयस्क है कॉपर का, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर के सल्फाइड, उसके बाद फेरस के सल्फाइड, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को, पहले हमने क्या किया, कॉपर पैराटाइज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, गर्म करने के बाद कॉपर के सल्फाइड शुद्ध रूप में, फेरस के सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब क्या काम करना है, हमको निकालना कॉपर है, फेरस थोड़े ना निकालना है, जे नहीं निकालना है फेरस, तो फेरस और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गए, अब हमें क्या निकालना है इसमें से, इसमें से सिर्फ हमें कॉपर को उठा कर ले जाना है, कॉपर को आगे ले जाना है। अब देखिए कॉपर सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ फिर से गर्म किया तो हमें बताओ क्या प्राप्त हुआ, कॉपर के ऑक्साइड प्राप्त हुए कि नहीं, और साथ में क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ सब किसी को, अगर वहीं पे अगर फेरस प्राप्त करना होता, लोहा प्राप्त करना होता तो फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे फेरस के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता। बताओ फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले कॉपर पाइराइट को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, गर्म करने के बाद कॉपर के सल्फाइड और साथ में फेरस के सल्फाइड प्राप्त हुआ, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त हुआ, तो गैस तो बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। अब क्या करेंगे, पहले में काम किसका है, कॉपर सल्फाइड का, तो कॉपर सल्फाइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे,
और कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर के ऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फिर अलग हो जाएगा। अगर फेरस आपका प्राप्त करना हो तो फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो फेरस का ऑक्साइड आप प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो वहीं पे नहीं छोड़ना है। अब हमें क्या हुआ कि कॉपर के ऑक्साइड अगर प्राप्त हो गए, कॉपर के ऑक्साइड अगर प्राप्त हो गए तो हमें क्या करना है, इससे अगर फेरस के सल्फाइड के साथ अगर गर्म करते हैं, अगर गर्म करने की कोशिश करते हैं, देखते इसे गर्म करके, तो क्या प्राप्त होता कि यहाँ पे अगर फेरस सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर के सल्फाइड और फेरस के ऑक्साइड प्राप्त होता। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें किसकी ज़रूरत है, कॉपर के ऑक्साइड की, और कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो चुका है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को डाउट है तो बोलिए। भर्जन विधि में पहले कॉपर पैराटाइज को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दो चीज़ें प्राप्त होगी, फिर आपके कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ फिर से भर्जन करेंगे तब हमें कॉपर के ऑक्साइड और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो फेरस के ऑक्साइड और आपके सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे। क्लियर सब उसी को पॉइंट, क्लियर सब उसी को। चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो देखते हैं आगे की पॉइंट। अब क्या यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, कॉपर ऑक्साइड ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉपर का सल्फाइड और फेरस का सल्फाइड यह दोनों इसमें कबाब का हड्डी बना हुआ है, ये दोनों तो अशुद्ध है क्योंकि हमें तो कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड एक्स्ट्रा में आ रहा है तो हमारे लिए बेकार चीज़ हुआ ना जी, अशुद्धि हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें पहले अलग करना है। तो हमें चाहिए क्या, कॉपर ऑक्साइड ही चाहिए, ये दोनों तो अशुद्धि है, हमें बेकार चीज़ें हैं, इन्हें हमें अलग करना है, ठीक है। और यहाँ पे इन सभी के साथ मिला हुआ जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है, इस कंप्लीट मिश्रण को कॉपर मैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, कॉपर मैट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए गलती से कि बताओ कॉपर मैट में क्या क्या होता है, तो कॉपर मैट में क्या बोलेंगे आप, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के सल्फाइड और फेरस के सल्फाइड। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलिए। कॉपर मैट की अगर बात करें तो बताओ कॉपर मैट में क्या क्या मिलेगा, कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर के सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। क्लियर है सब किसी को, किसी को डाउट है तो बोलिए। हम लोगों ने अभी तक चार काम किया। पहला काम क्या किया, पहले तो बड़े बड़े पार्टिकल्स आए उसके क्रेशर में डाल के छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। दूसरा वर्क हमने क्या किया, दूसरा वर्क उसे हम झाग पलवन विधि से सांद्रित किए, ठीक है। तीसरा वर्क हमने क्या किया कि वो झाग पलवन विधि से जो सांद्रित अयस्क है उसका हमने भर्जन किया। भर्जन करने के बाद हमें क्या मिला, भर्जन जब किया हमने तो हमें मिला कॉपर के सल्फाइड और फेरस के सल्फाइड। कॉपर के सल्फाइड को फिर से हमने भर्जन किया और भर्जन करने के बाद तब हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गए। क्लियर है किसी को? और कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और आपका फेरस सल्फेट, इन सभी के साथ आपका फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड के साथ जो ये कंप्लीट मिश्रण है इसे हम लोग कॉपर मैट के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है या नहीं है, किसी को अगर डाउट है तो बोले फटाफट। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए वेरी गुड। डाउट नहीं है तो देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब क्या हुआ कि बेसमेंट में जो परिवर्तित गर्म है यानी गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करने पर कॉपर मेट स्वतः अपचयन द्वारा गलित कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है। अब क्या कर रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे कि गर्म वायु देंगे, क्या भेजेंगे भाई, गर्म वायु की झोंका देंगे। गर्म वायु का झोंका देते हैं ये जो कॉपर मेट है, कॉपर मेट में हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये तीन चीजें थी। अब जब गर्म हवा इसके अंदर गया तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अपचयित हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है और रिएक्शन करके यह आपका अलग हो जाएगा और कॉपर हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कि गलित कॉपर आपको प्राप्त हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा वो देखिए। आपका
अब इसके फॉर्मूला के लिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो ये कॉपर सल्फाइड था, इस दोनों की तो कोई मतलब नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो बेचारे बाहर ऐसे ही निकलने वाले हैं। क्यों बाहर निकलेंगे? क्योंकि फेरस सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड आपका बन गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। लेकिन फेरस ऑक्साइड फिर इसके अंदर जो अशुद्धि था सिलिका, SiO2 सिलिका का फॉर्मूला है, ठीक है, तो सिलिका के साथ रिएक्शन किया और फेरस सिलिकेट बना लिया, और इतना भारी फेरस सिलिकेट हो गया कि यह नीचे आपका जो आपका कंटेनर होगा उसके पेंदी में जाके नीचे बैठ जाएगा। फेरस सिलिकेट बनते ही इतना अधिक वेटेज वाला हो जाएगा कि वो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो फेरस से तो छुटकारा मिल गया हमको। क्लियर है सबको फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो फेरस सल्फाइड था इनसे छुटकारा के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ उनको रिएक्शन कराया, फेरस ऑक्साइड बना और फेरस ऑक्साइड उसमें अशुद्धि पहले सिलिका थी, सिलिका के साथ अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट बना लिया और जो कि आपके उसके तल्ली में बैठ गया और तल्ली में बैठने के बाद अशुद्धि के रूप में नीचे बैठ गया। तो इनसे तो छुटकारा हो गया कि नीचे बैठा हुआ ऊपर से मटेरियल, अच्छे मटेरियल को निकाल कर बाहर कर लेंगे, ये नीचे बैठे इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे। पास समझ आ रही है आप लोग को? अब क्या करना है यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फाइड है, अब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, गर्म किया, हीट दिया इसको। हीट देने के बाद क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ कॉपर की ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, इससे हमने पीछे देखा था कि भर्जन किया, हमें प्राप्त हुआ कॉपर की ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाने वाला है और हमें यह गलित रूप में कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप, क्योंकि हम बाहर से जब हवा दे रहे हैं, वायु देंगे, तो उस कंडीशन में गर्म वायु होगी जिसके वजह से कॉपर के ऑक्साइड और कॉपर के सल्फाइड आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। क्योंकि फेरस सल्फाइड जो था वो तो बाहर निकल चुका है, इसका काम तो सिलिका के साथ अभिक्रिया करके बाहर चला गया, उसका काम खत्म। अब बचा कौन कौन है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। यह दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप कॉपर प्राप्त होंगे और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहां पर हमें गलित अवस्था में शुद्ध तांबा प्राप्त होने वाला है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सब किसी को? पहले हमने क्या किया, बड़े बड़े तांबे को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैशर में तोड़ दिया। फिर ये क्रैशर में टूटने के बाद हमने क्या किया, इसे झाग पलवन विधि से इसे शुद्ध रूप में सांद्रित किया। सांद्रित करने के बाद हमने इसे भर्जन विधि के साथ गर्म किया। गर्म करने के फलस्वरूप हमें एक मिश्रण प्राप्त हुआ, जिस मिश्रण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए हमें। वह एक मिश्रण प्राप्त हुआ, उस मिश्रण को किस नाम से जानते हैं हम लोग, जल्दी कीजिए। फटाफट बताओ, ठीक है, वहां पे हमें मिलने वाला है कॉपर मेट। ठीक है, कॉपर मेट में क्या था, कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर के सल्फाइड और फेरस के सल्फाइड। और वहां पे फेरस के सल्फाइड को फिर से हमने क्या किया, गर्म हवा डाला उसके अंदर, गर्म हवा के साथ वो रिएक्शन करके फेरस के ऑक्साइड बनाया। फेरस के ऑक्साइड सिलिका के साथ अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट के रूप में उसके पेंदी में जाके बैठ गया। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करके शुद्ध रूप में कॉपर हमें गलित अवस्था में दे दिया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं सबको? कॉपर का निष्कर्षण सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्मूला के साथ, समीकरण के साथ? क्लियर है सब किसी को? अब तो समीकरण में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर से किसी को? वेरी गुड। तो ये थे फ्रेंड्स कॉपर के आपके निष्कर्षण। अब अगला पॉइंट फटाफट हम लोग देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, क्योंकि हमने बोला था कि तीनों हो सके तो तीनों कवर करेंगे, नहीं तो कम से कम दो तो कवर कर ही लेने आज कैसे भी। क्लियर से किसी को? आइए देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करने वाले हम लोग एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। अब एल्युमिनियम के निष्कर्षण को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण की बात करेंगे तो उनमें हमें चाहिए आयस्क, और एल्युमिनियम का जो प्रमुख आयस्क है वो है आपका बॉक्साइट।
कौन सा आयस्क है फ्रेंड्स? बॉक्साइट। और बॉक्साइट आयस्क की फॉर्मूला की बात करें तो Al2O3 × 2H2O, इसका फॉर्मूला होगा आपका Al2O3 × 2H2O। ये बाबू फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए आयस्क का फॉर्मूला भूलना नहीं है, आयस्क का नाम और फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला ही मार्क्स आपको देगा, बायोलॉजी में मार्क्स चाहिए तो इमेज जितने बेहतर बना लो मार्क्स आपको उतने बेहतर मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर जितना बेटर कॉन्सेप्ट उतना बेटर मार्क्स, ठीक है। इसलिए इन सभी पॉइंट को और न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिक्स में कहता है कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर याद है तो उसमें मार्क्स बेहतर है, केमिस्ट्री में अगर आपका फॉर्मूला और समीकरण याद है तो इसमें मार्क्स है, और इमेज बनाना अगर आता हो तो बायोलॉजी में मार्क्स आपका रखा हुआ है। तो सभी पार्ट्स के अपने अपने कुछ कुछ है पॉइंट जिनको हमें जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इनके अलावा बॉक्साइट के अलावा क्रायोलाइट भी जो है वह भी आपका एल्युमिनियम का ही क्या है, एल्युमिनियम का ही एक आयस्क है, ठीक है। अब बात करें कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भारत में मिलता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है बाबू रांची में, पलामू में, जबलपुर, बालाघाट, सेलम, बेलगाम, कोल्हापुर, ठीक है। इसके अलावा थाना लिखा हुआ है गलती से थाने हुआ है, ठीक है, आदि जिलों में पाया जाता है, क्लियर है फ्रेंड्स। अर्थात कि रांची, पलामू, जबलपुर, पलामू वर्ड से याद भी है, जब किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी जब ज़्यादा दूर जाने की बात होती है, कुछ देर काम लगाने में काम करने में कुछ देर लगा लेते हैं लोग, तो कहते हैं कि पलामू चले गए थे, पलामू का मतलब हमारे लोकल एरिया में बहुत दूर वाले जगह को माना जाता है, पलामू का मतलब काफ़ी दूर का एरिया, ठीक है। तो पलामू समझ सकते हैं ज़्यादा दूर के एरिया तो नहीं है लेकिन अपने पास भी नहीं है, ठीक है, ये आपके अलग स्टेट में उत्तराखंड के स्टेट में आता है, चलिए ठीक है। तो बात करें हम लोग रांची, पलामू, जबलपुर, बालाघाट, सेलम, बेलगाम, कोल्हापुर और थाने, ठीक है, इन सभी जगहों पे आपके क्या पाए जाते हैं, एल्युमिनियम का आयस्क जो आपका बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। फटाफट अभी हमने पढ़ा था अभी कॉपर पायराटाइज का, फटाफट कॉपर पायराटाइज का फॉर्मूला में लिख के फटाफट डालो, इससे मालूम चल जाएगा कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपके साथ बना हुआ है, फटाफट डालो, जल्दी करो फटाफट। चलो ठीक है, कुछ आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं, अरे तो पीछे को वीडियो को रिवाइंड कर रहे होंगे। एनीवे मैं बता दूं, उसका फॉर्मूला था CuFeS2, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर बात करें हम लोग तो इस देश में खनिज की अनुमानित मात्रा जो बॉक्साइट की अवेलेबल है वह लगभग कितना है, 2.8 करोड़ टन की है भारत की, इस देश मतलब भारत के देश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपका जो खनिज की अनुमानित मात्रा है उसका खनन जो होता है 2.8 करोड़ टन अबाउट। क्लियर डिफरेंस है, किसी को डाउट है तो बोलिए। एल्युमिनियम का अगर निष्कर्षण हमें अगर करना हो तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए हमें बॉक्साइट या क्रायोलाइट दोनों में से किसी से भी हम कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को प्रमुख आयस्क के रूप में माना जाता है। और यह भारत में बॉक्साइट जो मेनली रांची, पलामू, जबलपुर, बालाघाट, सेलम, बेलगाम, कोल्हापुर आदि इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। इस देश में अर्थात कि अपने देश में खनिज की अनुमानित मात्रा की बात की जाए तो 2.8 करोड़ टन की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है। आइए फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो आगे की पॉइंट कहती है आपको कि एल्युमिनियम को तैयार करने के निर्मित का पहला प्रयत्न किया जाए कि कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो बॉक्साइट के शोधन के लिए बायर विधि के नाम से प्रचलित है, ठीक है, अर्थात कि इसको शोधन करने के लिए हम कौन से इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, बायर विधि, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉक्साइट को गर्म कास्टिक सोडा के विलयन के साथ अभिक्रित करके सोडियम एल्युमिनेट बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसे पहले हमें क्या करना है, आपका जो प्राप्त था Al2O3 × H2O, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, कास्टिक सोडा के साथ, अर्थात कि कास्टिंग सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला किसी को पता है तो फटाफट बताइए, मैं जल्दी कीजिए, फटाफट बताएंगे कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स फटाफट बताइए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड्स, तो वो फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इनको जब रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होने वाला है, यह तब प्राप्त होगा हमें सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का मतलब NaAlO2, ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, क्या कहते हैं एल्यूमिनेट। इससे क्या होगा कि सोडियम एल्यूमिनेट हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो पहले से हमें बॉक्साइट है, बॉक्साइट को कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं, बॉक्साइट को कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, NaAlO2, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट है ये। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को कि नहीं फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। बायर विधि के द्वारा हम इसे शोधन करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर इसे गर्म करते हैं। कास्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बहुत सारा उदाहरण के द्वारा हमने देखा था क्षार और अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट अर्थात कि NaAlO2 फॉर्मूला फ्रेंड्स जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला आपको बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं भी कीजिएगा, अगर फॉर्मूला रहेगा तो आधा मार्क्स आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। इसलिए आप फॉर्मूला तो बिल्कुल लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट हमें प्राप्त हो गया। किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है, इस एल्यूमिनेट के पिलियन को हम क्या करेंगे, छान के अलग कर लेंगे, यानी एल्यूमिनेट को हम अलग कर लेंगे। और क्योंकि उसमें आपका H2O यहाँ भी है, यहाँ भी OH है, मतलब कि जल बनने वाला कंफर्म है, तो जल को अलग करके वहाँ पे क्या करेंगे, NaAlO2 को यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट को छानकर अलग कर लेंगे, ठीक है। और क्या, इसमें फिर से एल्यूमिनिया का अवक्षेपण कर लिया जाता है, अर्थात कि बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर निकालने के बाद वो देखिए आपका, ठीक है, बाहर निकालने के बाद क्या करना है उसके बारे में आप थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे एल्यूमिना हमें प्राप्त होगा, इससे एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हम जिस विधि का यूज करेंगे वह विधि हमारा है हॉल हेरो विधि, हॉल हेरो विधि। अब चाहने वाली बात है कि हॉल हेरो विधि क्या है। फ्रेंड्स, ये आपका 12 से 20 इंच का एक छोटा सा कंटेनर होता है, ठीक है। ये कंटेनर आपका स्टील का बना होगा, जिसके ऊपर कार्बन की पतली पतली दीवार बनी हुई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपका क्या होगा, दो तरह के सेल लगे होंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर आपका एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव कैसे पहचानना है और निगेटिव कैसे पहचानना है, इसका हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था आपका, वो फॉर्मूला था आपका कॉन एप। याद हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं याद हो तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। कौन ऐप का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब क्या होता है, फटाफट हमें कमेंट्स करके जल्दी बताइए। कौन का मतलब हमने आपको क्या बताया था, जल्दी बताइए, तब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं, इसके अंदर हमारा जो लिक्विड फॉर्म में काम करता है, वह काम करता है हमारा क्रायोलाइट। क्या काम करता है फ्रेंड्स, क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट में हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिना में पहले से प्राप्त है, इस एल्यूमिना को भी डाल देते हैं। क्रायोलाइट क्या होता है, एल्यूमिना की अपेक्षा हल्का होता है, जिसके कारण यह ऊपर की तरफ चला जाता है और एल्यूमिना गलकर नीचे, सॉरी क्रायोलाइट आपका ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से इनके अशुद्धियों के साथ रिएक्शन करके यह नीचे की तरफ जाकर बैठ जाता है, ऐसे इस फॉर्म में, इसके नीचे अशुद्धियों के रूप में इस फॉर्म में ऐसे बैठ जाता है ये, ठीक है, क्रायोलाइट। और इसके ऊपर जो होगा आपका, इसके ऊपर ये हमें क्या, शुद्ध रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, आपका एल्युमिनियम प्राप्त होता है।
समय समय पर इसमें से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को बाहर आपका निकालते रहते हैं, ठीक है। और यह विधि जो होता है हमारा कहलाता है हॉल हेरो विधि। हॉल हेरो विधि मतलब छोटा सा कंटेनर, उसमें क्रायोलाइट लिक्विड फॉर्म में होगा और उसके अंदर इतना अधिक विद्युत संश्लेषण दिया जाएगा, अर्थात कि विद्युत धारा इस फॉर्म में प्रवाहित की जाएगी कि इसके ताप से अंदर का जो मटेरियल हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहे, गलित अवस्था में ही रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर से मटेरियल को डालते रहेंगे, यानी इस फॉर्म में इसके अंदर करेंट का प्रसार हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा यह शुद्ध रूप को हमें आसानी से बाहर निकालते रहेंगे और समय समय पर बाहर से दूसरे तरफ से एलुमिना को डालते रहेंगे, ठीक है। और यह विधि हमारा कहलाता है हॉल हेरो विधि। और इस प्रकार इन दोनों विधि की सहायता से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप में एलुमिनियम प्राप्त करते हैं, अर्थात एलुमिनियम प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि, सबसे आसानी विधि। पहला तो बायर विधि था आपका, जिसके अंदर हमने क्या किया था, बायर विधि में हमने क्या किया था, पहले उसे हमने क्या किया था, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा था। उसे शुद्ध करने के लिए, उसे सांद्रित करने के लिए हमने बॉक्साइड को क्या किया था, कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर गर्म किया था। और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके हमने एल्यूमिनेट बनाया था, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया था, जहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला के थ्रू से, हमने पिछले अभी थोड़ा देर पहले देखा था हम लोगों ने, तो उसमें हमने क्या देखा था, उनमें देखा था कि फॉर्मूला हमारा क्या था इसका एल्यूमिना का, Al2O3 इंटू H2O, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि इसे क्या किया था, इसे हमने रिएक्शन कराया था कास्टिक सोडा के साथ, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, NaAlO2 अर्थात सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट जो प्राप्त हुआ, इस सोडियम एल्यूमिनेट से हम एलुमिना प्राप्त किए और एलुमिना का यूज हमने हेल हेरो विधि में किया और उसके फलस्वरूप क्रायोलाइट की सहायता से हमने शुद्ध रूप में क्या प्राप्त किया, एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया। ऐसा फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आज की जो थी सब किसी को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कौन, कौन का मतलब फ्रेंड्स कैथोड पे निगेटिव और ऐप का मतलब एनोड पर पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा कौन ऐप, कौन का मतलब कैथोड पे निगेटिव और ऐप का मतलब एनोड पर पॉजिटिव। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हम चाहेंगे और बेटर वे से समझाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप जितना बेहतर वे से समझेंगे उतना बेहतर वे से लिखेंगे, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये फ्रेंड्स अगर ये कल के क्लास में हम थोड़ा सा जिंक के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन, भी तुरंत स्टार्ट करेंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन, इस आपका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन। इसलिए जो भी नोट्स आपने तैयार किया उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन भी इसके साथ स्टार्ट कर लें। आपने पूरे सेशन में हमारे साथ बना रहा, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद फ्रेंड्स।